कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बिहार में दूसरा चरण आज से शुरू है। इसके तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी औरंगाबाद में रैली करेंगे। पहले चरण में राहुल 29 से 31 जनवरी तक सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं दूसरे चरण की यात्रा वाला परिक्षेत्र शाहबाद के नाम से ख्यात है और कांग्रेस के लिए सीमांचल की तरह ही उपजाऊ रहा है। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के बावजूद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जनसभा गुरुवार को तय समय पर शुरू हो जाएगी। राहुल गुरुवार को हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के पुलिस लाइन में उतरेंगे। इसके बाद सड़क मार्ग से गांधी मैदान पहुंचेंगे, यहां उनकी जनसभा रखी गई है। इसके बाद शुक्रवार को उनकी कैमूर में रैली और नुक्कड़ सभाएं होंगी। कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड के धनेक्षा हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित होने वाली जनसभा में तेजस्वी यादव और वामपंथी दलों के नेता भी शामिल होंगे। उधर रोहतास जिले में राहुल गांधी का डेहरी में 15 फरवरी को सड़क मार्ग से आगमन होगा। इसके बाद जमुहार में रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी 16 फरवरी की सुबह 9 बजे सड़क मार्ग से पुरानी जीटी रोड से होते हुए सासाराम शहर होते हुए टोल प्लाजा से होकर खुरमाबाद के नजदीक सभा करेंगे। कार्यक्रम के बाद सड़क मार्ग द्वारा कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएंगे। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली है। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुर्गावती प्रखंड के धनेक्षा हाई स्कूल में आयोजित जनसभा को लेकर महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं में काफी उत्साह है। बताते चले, राहुल गांधी के शुक्रवार को कैमूर में होने वाली जनसभा में कांग्रेस ने आरजेडी और वाम दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस रैली में शामिल होने की सहमति दे दी है। वहीं सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़कर जाने के बाद पहली बार राहुल और तेजस्वी एक साथ सभा करेंगे।